दोस्तों दिवाली शुरू हो गया है और दिवाली का बधाई का दौर भी, हैप्पी दिवाली, खुशियों वाली दिवाली, पर क्या सही में यह खुशियों वाली दिवाली है, आज हम सबको यह जानना जरूरी है। दोस्तों पिछले 2-3 सालों से जब से यह मुहिम चला है न कि बॉयकॉट चाइना लाइट, इस दिवाली बिना चाइना वाली, तब से गरीब कुम्हार भाइयों में कुछ ज्यादा ही उत्साह देखने को मिला था। पिछले साल की बात है, कुम्हार भाई लोग खूब दिए बनाए थे कि इस बार तो हमारा दिया सब बिक जाएगा। खुशी खुशी वो सब दिया बनाया, मानो इस दिवाली उनके घर में भी दिए जलेंगे। दिया बनकर तैयार हो गया और लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ दिवाली का बाजार भी सजना शुरू हो गया। खुशी खुशी सब कुम्हार दिया लेकर बाजार गया, पर क्या आज तो एक भी दिया किसी का नहीं बिका। वापस घर आया तो हमने पूछा कि क्या हुआ, कितना दिया बिका। बोला अरे आज तो बाजार शुरू ही हुआ है, इतना पहले से थोड़ी कोई दिया लेकर घर में रखेगा, दिवाली के नजदीक ही दिया बिकेगा। यह उम्मीद लिए वह हर बाजार गया और जैसे जैसे दिवाली नजदीक आई और लास्ट में वो दिन भी आ गया जब दिवाली था और उसके उम्मीद भी खत्म हो गया, इस दिवाली हमारा दिया बिकेगा और हम भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे। तब हमने सोचा कहाँ है खुशियों वाली दिवाली, हमें तो कहीं गांव में दिख ही नहीं रही है खुशियों वाली दिवाली। हाँ दिवाली तो मनी, पर कुम्हार के लिए खुशियों वाली नहीं। तब हमने सोचा कि कुछ करना होगा, अगले दीपावली में हर बार बॉयकॉट चाइना का नारा लगाने वाले के घर में भी सस्ता है, हर बार बॉयकॉट चाइना, इस बार दिवाली बिना चाइना लाइट की, ये सब नारा तो हमेशा बाजार में चलता है, पर जो ये नारा देते हैं खुद वो लोग भी, पता चलता है दिवाली के रात उनके घर में भी चाइना लाइट ही सस्ता है। तो इस बार दिवाली भी शुरू होने लगी है, कुम्हार भाई लोग इस बार भी दिया बनाने में जुट गए हैं, दिया बनाकर बाजार भी पहुंचा, फिर वही कहानी, दिया नहीं बिकी। तब हम कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया कि हम उसी बाजार से दिए खरीदते हैं कुम्हार भाइयों से, और उसी बाजार में एक नारा के साथ कि मुफ्त में दिए ले जाओ मगर चाइना का लाइट न जलाओ। तो इसी नारे के साथ हमने पहले दिन करीब 5,000 दिए खरीदे और बांटे भी। दिल से बहुत सुकून मिला जब हमने देखा कि जिस कुम्हार से हमने ये दिया खरीदे थे वो लोग बाजार में कुछ फल खरीद रहे हैं ताकि उनके घर के बच्चों को खिला सके। इसी तरह हमारा एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया, बाजार दर बाजार हमने ये कार्यक्रम किया, और यह अभी जब तक आप सभी का आशीर्वाद साथ है तब तक यह मुहिम चलता रहेगा। इस बार हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारे गांव में गांव के भाइयों से या जिन से दिए खरीदे हैं उनसे कि हैप्पी वाली दिवाली। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपसे बस इतना गुजारिश करते हैं कि इस बार दिवाली में या आने वाले दिवाली में अपने आसपास के जो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो रास्ते में ठेले में कुछ भी बेच रहे हैं, उन्हीं से कुछ खरीदिए। ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा कम कर दीजिए दोस्तों, अगर क्योंकि ये जो ठेला लेके बैठे हुए हैं जो बेच रहे हैं, इनको करोड़पति नहीं बनना है, इसको अपना घर चलाना है। इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है सभी से, जितना हो सके आप अपना त्योहार में, चाहे वो हिंदू के त्योहार हो या मुस्लिम भाई का त्योहार हो या किसी के भी त्योहार हो, त्योहार में आप इतना करिए कि आपके अगल बगल जो भी ठेला है, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी कुछ बेचने के लिए आए हैं, कृपया उनसे ही खरीदारी करिए, क्योंकि उसको अपना घर परिवार चलाना है। आप उससे खरीदिएगा तो आप उससे उसका घर चलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमेशा कोई बड़े मॉल में जाते हैं, आप सिम करते हैं, आपको जितना राशि बताया आप उसमें कार्ड में डिस्काउंट के नाम पे तो आपको दाम बढ़ा के 10% डिस्काउंट दे देता है, आप उसमें से ही पैसा पेमेंट करके आ जाते हैं। और जब बारी आती है कोई छोटे दुकानदार से परचेज करने के लिए तो क्या करते हैं आप लोग क्या, हम भी अपना बता रहे हैं, पहले हम भी करते थे, बार्गेनिंग करते हैं। कोई 50 का बता रहा है तो हम क्या करते हैं उसको 30 में 40 में जितना कम में लेने की कोशिश करते हैं। भाइयों एक और रिक्वेस्ट है, बार्गेनिंग यहाँ मत करिए, बार्गेनिंग अगर करना है तो आप रूम पे करिए, आप बड़े बड़े मॉल में करिए, वहाँ तो आपको बार्गेनिंग करने का मौका ही नहीं देगा, आपको मॉल से ही निकाल देगा। यहाँ गरीब बेचारा अपना पेट चलाने के लिए देखिए आपको बार्गेनिंग में कम दाम पे ही आपको देके चला जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारा यह संदेश अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि हमारा ये जो मुहिम चलता रहे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। We'll be right back.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic.